हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं होम्योपैथिक माइंड ओब्रिस डिल्यूजन ड्योर्ड बाय एनिमल हेड बीन। अब इस माइंड ओब्रिस में सिंगल मेडिसिन होती है हायोसाइमस। तो अगर ये माइंड ओब्रिस सेट हो जा रहा है तो वहाँ पे हम हायोसाइमस मेडिसिन दे के जो भी प्रॉब्लम रहती है वो सही हो जाती है। तो अब देखें इस माइंड ओब्रिस की मीनिंग क्या होता है। तो डिल्यूजन के मतलब होता है कि उसकी फीलिंग है, उसको लगता है, उसको ऐसा एहसास होता है। और ड्योर्ड के मतलब होता है ख़त्म हो जाना, नष्ट कर देना, नष्ट हो जाना। और बाय एनिमल, एनिमल के मतलब कि जैसे कोई एनिमल, बड़ा एनिमल छोटे एनिमल को खा लेता है, निगल लेता है तो वो नष्ट हो जाता है। तो उसी तरीके से वो उसको ये चीज़ लगता है, तो जानवरों द्वारा वो नष्ट हो जाना, नष्ट ख़त्म कर दिए जाना। और हेड बीन यहाँ पे लगा हुआ है, तो हेड बीन के मतलब ये होता है कि पहले उसके साथ कभी ऐसा हुआ हो और उसके बाद से फिर उसको जो है होता रहता है। तो इस तरीके के अगर जो है पिक्चर मिल रही है तो वहाँ पे हम ये डिल्यूजन ड्योर्ड बाय एनिमल हेड बीन माइंड ओब्रिस लगाते हैं। अब इसमें जैसे अगर क्लिनिक में देखें, क्लिनिकल रेफरेंस में देखें, तो जैसे कोई पेशेंट है और किसी डॉक्टर के पास दवा लेने गया और वो उस डॉक्टर के दवा लेने के बाद से वो और ज़्यादा परेशान हो गया, और ज़्यादा परेशान हो गया। उसको ये लगता है कि इस दवाई ने तो हमको, इस डॉक्टर ने तो हमको बिल्कुल मार ही डालते, यानी डॉक्टर की लापरवाही से हम बिल्कुल अब तो गए थे लेकिन ये तो बहुत बच गए, डॉक्टर साहब की लापरवाही है। डॉक्टर बिल्कुल, अब वो डॉक्टर को एनिमल बताएगा, यानी उसके मन में ये रहेगा कि डॉक्टर क्या है, ये पूरा जानवर है। यानी जो उसके साथ या किसी के साथ जो धोखा करता है या उसके मन में कि लग रहा है कि हाँ ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, भले अगला न करे कि ना करे, लेकिन उसको लगने लगता है कि हाँ अगर उसके बाद से उसको प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई, उसकी परेशानी बढ़ गई, तो उसको ये लगता है कि ये डॉक्टर की वजह से या अगले की वजह से हमको ये परेशानी का सामना करना पड़ा। तो फिर वो उस बंदे को वो एनिमल बताने लगेगा, तो यहाँ पे वो डॉक्टर को वो एनिमल बताएगा। तो इस तरीके से ये ले सकते हैं, यहाँ पे अगर ये वर्जन है तो यहाँ पे ये माइंड ओब्रिस लगाते हैं। तो अगर पेशेंट के वर्जन देखें तो एक जैसे पेशेंट आता है और डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं एलोपैथिक दवा से डरता हूँ। तो अगर डॉक्टर पूछेंगे कि क्यों डरते हो, तो फिर वो बताएगा कि जो है एक बार हम दवा लेने गए एक डॉक्टर साहब से और उन्होंने चेक नहीं किया तो उसके बाद फिर उन्होंने दवा दिया और उस दवा से तो हमारी परेशानी बहुत बढ़ गई, हम तो बिल्कुल मरते मरते बच गए और वो डॉक्टर क्या थे, बिल्कुल जानवर थे। अब वहाँ पर ऐसे पोजिशन में वो डॉक्टर को जानवर बताएगा, क्या बताएगा कि ये डॉक्टर की गलती से हमको तमाम परेशानी का सामना करना पड़ा और हम तो मरते मरते बच गए। तो वो डॉक्टर को ऐसे कंडीशन में वो एनिमल बताएगा, यानी यहाँ पे डॉक्टर को वो एनिमल बताएगा। और अगर उससे पूछा जाए कि ये दवा की वजह से ऐसी आपको प्रॉब्लम हुई, तो कहेगा नहीं, दवा की वजह से नहीं हुई, ये डॉक्टर की लापरवाही से हुई। डॉक्टर को तो क्या, अपने उनको पैसे से काम रहता है, दवा मरीज मरे चाहे जिए, वो तो मरीज की पॉकेट उनको चाहिए, पैसा चाहिए, और उनको मरीज़ से कोई मोहब्बत थोड़ी है। तो इस तरीके से उसके मन में बैठ जाता है कि ये डॉक्टर को बिल्कुल दवा मरीज़ से कोई मोहब्बत नहीं है, बिल्कुल उनको पैसा ही पैसा चाहिए। तब ऐसी पोजीशन में वो डॉक्टर को जो है एनिमल बताएगा। तो अगर इस तरीके का पिक्चर मिल रहा है तो इसमें अगर हम देखें तो ये माइंड ओब्रिस भी आ जाता है, फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड, यानी उसको एक बार घटना उसके साथ हो चुकी है, उसको बार बार ये भी लगता है कि कहीं फिर ना हो जाए, यानी उसके साथ धोखा ना हो जाए, इसीलिए वो एलोपैथिक दवा से लेने से डरता है। तो एलोपैथिक दवा या किसी भी डॉक्टर से अगर वो कहीं गया हुआ है पहले से और उस दवा लेने के बाद से उसको परेशानी हुई, तो वो दवा लेने से वो डरेगा, वो दवा लेना नहीं चाहेगा। उसके मन में ये रहेगा कि हाँ उस डॉक्टर ने हमको जो है बिल्कुल से बर्बाद कर दिया, बिल्कुल से मारने की सोच लिया था और उससे तो हम परेशान हो गए। तो यहाँ पे इस तरीके की अगर फीलिंग मिल रही है तो वहाँ पे हम जो है ये माइंड ब्रिस लगा करके हायोसाइमस मेडिसिन देते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम रहती है वो धीरे धीरे सही हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके।